व्हाट्स अप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और कल मुंबई के न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज ऐसी आई, मतलब बोलते हैं ना कि कॉमेडी जैसा था, मतलब एकदम एक कॉमेडी जैसा था। पढ़ा, दोस्त लोग से शेयर किया, कुछ ऐसे लोगों से शेयर किया, सब हंस पड़े। सब लोग ने बोला कि ये शायद महाराष्ट्र ने या यहाँ के जो कमिश्नर है पांडे जी, उन्होंने शायद मस्ती की है या कुछ जोक पास किया है। कल मुंबई में एक न्यूज आई कि बाइक या स्कूटी जो चलाते हैं उनको तो हेलमेट कंपलसरी है ही। अभी जो पीछे आपके बैठते हैं, जैसे सेकंड पिलियन कहते हैं, उनको भी हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है। मतलब ये सुन के इतना हंसी आई सब लोग, मतलब मैं सोच रहा हूँ एज ए नॉर्मल सिटीजन की भाई पांडे जी आप पहले ये देखिए, संजय पांडे जी या जो भी पांडे जी, भगवान जाने क्या नाम है उनका, आप पहले ये देखिए कि जो बाइक चला रहे स्कूटी चला रही है या चला रहा है वो खुद ही हेलमेट नहीं पहनते थे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सेकंड जो पीछे बैठा वो हेलमेट पहने। मैं एग्जांपल देता हूँ, बीच में एक लॉ पास हुआ था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं वो बच्चों को भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, मैंने वीडियो नहीं किया क्योंकि बिकॉज किसी की प्राइवेसी को मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैंने खुद देखा है कि 95% पेरेंट्स जो भी छोड़ने आते हैं वो खुद बच्चों को तो हेलमेट पहनाते नहीं है, वो खुद भी हेलमेट नहीं पहनते या पहनती नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी वाइफ भी मेरे बेटे को छोड़ने जाती है तो वो हेलमेट पहनती है और मेरे बेटे को भी हेलमेट पहनाती है। आई मेड इट कम्पल्सरी। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी नीचे जाता हूं, कुछ बाइक का काम रहता है, आई मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग अ हेलमेट। पर हमारे यहाँ पे चूतियों की कमी तो है नहीं, चूतिए और चूती इज फॉर लेडीज। चूतिए तो पहनते नहीं है, चूती तो महाहरामी लोग हैं, उन लोग पहनते ही नहीं है। उन लोग बोलते 5 मिनट काम के लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या हेलमेट पहने। 5 मिनट सर के ऊपर भी कुछ भी गिर सकता है और आप वहां पे हमेशा के लिए लेट भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट हमेशा कहती है, लॉ हमेशा कहती है कि आप हेलमेट नहीं पहनते हो मत पहनिए, लेकिन कुछ हो जाएगा वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। फिर कुछ हो जाएगा, मर जाएगी, फिर उसके बाद इन लोग रोना धोना करेंगे, मीडिया के पास जाएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, ये सब नाटक नहीं चाहिए। मैंने खुद एक इंसिडेंट देखा है जहां हम लोग ट्रैफिक में थे, हम लोग एक बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे थे, मेरे सामने जो बाइक चला रहा था उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसने हेलमेट अपने हाथ में लगा के रखा था। वो बिल्डिंग के फ्लोर से एक टिफिन बॉक्स गिरा, कैसे गिरा आई डोंट नो, सीधा उनके सर पे लगा, इतना जोर से लगा कि वो बेचारा बाइक के साथ गिर गया। अभी सोचिए अगर वो हेलमेट पहनता था तो ऐसा कुछ होता नहीं था। सब लोग ने कहा कि भाई हेलमेट क्या सजाने के लिए हाथ में रखा है, हेलमेट पहना करो। तो ऐसे इंसिडेंट खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो। रही बात सेकंड पिलियन पहनने की, इट्स अ फनी थिंग। मैं अगर दूसरे कम्युनिटी के लोगों की बात करूं, समझ जाओ कौन सी कम्युनिटी के, ये साले लोग तो अकेला बाइक नहीं चलाते, इन लोग दूसरे को बिठा के तीसरे लोग, इन लोग हमेशा 3 लोग एक साथ एक ही बाइक चलाते हैं। ये इन लोग की कम्युनिटी में लिखा हुआ है कि हम बाइक हमेशा चलाने का 3 लोग के साथ चलाने का। ये साले में से कोई हेलमेट नहीं पहनता। आप पहले इन लोग को पकड़िए जो हेलमेट पहनते ही नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा तोड़ते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पिलियन को हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए वो आप डिसाइड कीजिए। अभी देखिए, मैं मानता हूं कि सेकेंड पिलियन को हेलमेट पहनना चाहिए, पर इसमें फायदा भी है और डिसएडवांटेज भी है। फायदा यह है कि सेकंड पिलियन अगर हेलमेट पहनेगा तो कुछ भी अगर दुर्घटना होती है तो उससे दोनों बच सकते हैं। डिसएडवांटेज यह है कि आपको एक सेकंड हेलमेट खरीदना पड़ेगा, हमेशा बाइक या स्कूटी में रखना पड़ेगा। बाइक या स्कूटी में तो ऐसे इतना कुछ जगह है नहीं कि हम लोग सेकंड हेलमेट रख सके। प्लस अभी कौन हमारे साथ आने वाला है वो हम कैसे डिसाइड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जा रहे हैं, सडनली कोई दिख जाता है हमें, तो हम लोग चलो लिफ्ट है आगे तक दे देते हैं। सो हाउ कैन वी डिसाइड कि वो हेलमेट पहनेगा कि नहीं पहनेगा। सो दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस डजंट वेरी, मतलब सेंस नहीं बनाती है। अब पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हेलमेट फर्स्ट जो बाइक या स्कूटी चला रहा है उसको कंपल्सरी कीजिए, अच्छे से फाइन लागू कीजिए, उसके बाद ये वाला रूल एंड रेगुलेशंस लाइए। खाली बोल दिया कि सेकंड पिलियन को भी हेलमेट पहनना चाहिए डजंट मेक एनी सेंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया तो मतलब ये सब चीज फॉलो करेगा ही नहीं, खास करके मुंबई। जस्ट एक फनी लगता है कि बोलने के लिए कि हाँ भाई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाला है। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोगों को क्या लगता है कि सेकंड पिलियन को हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, कहां तक ये रूल्स लोग फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।